नहीं, 15 अगस्त पर सारी सेरेमनी वैसे ही होगी, खाली जो कल्चरल प्रोग्राम हैं और जो कोई दूसरे फंक्शन हैं उनको रोका गया ताकि भीड़ भाड़ ना हो कोरोना के कारण। नहीं, पूरी तरह से प्रशासन ने सब जगह पर अपना अलर्ट पर है और चौकस है, सारे हरियाणा में चौकसी बढ़ा दी गई है। आपने छुट्टी ली है, क्या वजह, मतलब तो कहाँ पे जो है आप ध्वजी सभी नहीं कराएंगे? नहीं, आप जानते हैं मेरा एक्सीडेंट हुआ है, मेरी टांग टूटी हुई है और मेरे लिए मुश्किल था वो सारी सेरेमनी को अंजाम देना, इसलिए मैंने छुट्टी मांगी। और एक जैसा आपने बताया कि अब दोबारा स्वतंत्रता दिवस पर झांकियां नहीं होंगी, कोई कल्चरल कार्यक्रम नहीं होंगे, क्योंकि आमतौर पर स्वतंत्रता दिवस पर बड़ी संख्या में लोग दर्शक के तौर पर आते हैं, क्या इन लोगों के आने पर भी वहाँ पाबंदी रहेगी? हाँ, इस बार भीड़ इकट्ठी करने पर रोक लगाई गई है। और इसके अलावा वहाँ पर जो जो कार्यक्रम के स्थल हैं वहाँ पर क्या क्या प्रिकॉशंस ली जाएंगी, क्या बंदोबस्त जो है स्वास्थ्य विभाग वहाँ करेगा? नहीं, देखिए, जो कोरोना के सोशल डिस्टेंसिंग के हैं वो सारे मापदंड माने जाएंगे, वहाँ पर सैनिटाइजर की व्यवस्था भी की जाएगी, मास्क भी सब लगाएं इस बात की भी व्यवस्था की जाएगी। मतलब जो बाद में टी पार्टी वगैरह होती थी सब इस तरह रद्द है? कभी नहीं होती थी। कुछ वर्षों ने जिस प्रकार से लाल किले को लेकर धमकी दे रखी है, इस मामले में हरियाणा में सुरक्षा व्यवस्था कैसी रही? हरियाणा में सुरक्षा व्यवस्था का पूरी तरह से अलर्ट पर है, पूरी तरह से सारे डिपार्टमेंट को चौकस रखा हुआ है और पूरी निगाह रखी जा रही है। सर, जो ये पन्नू की जो कॉल आती थी इंटरनेशनल नंबर से, उस पर आपने कार्रवाई के लिए बात की, क्या उसमें कुछ फाइंडिंग्स निकल करके आई? नहीं, उसके 2 FIR दर्ज कर दी थी, एक कुरुक्षेत्र में और एक भोंसी में, और उनकी आगे जांच हो रही है। जिन नंबरों से आते थे वो नंबर ब्लॉक कर दिए गए थे और उसके काल का कहीं पर कोई भी वो आगे किसी ने उसको सीरियसली नहीं लिया। अब फिर से कॉल आने लगी है इंटरनेशनल नंबर से, नए नंबरों से, और ये कहा जा रहा है कि जो खालिस्तान को लेकर के अब झंडे जो फहराएंगे खालिस्तान के, उन लोगों को उनकी तरफ से रिवॉर्ड किया जाएगा, ये कोई पन्नू की कॉल है? नहीं, ये बिल्कुल जो फेल हो चुके हुए हैं, हताश हैं और ये वहाँ बाहरले देशों में बैठकर यहाँ के लोगों को उकसाना चाहते हैं, लेकिन यहाँ के लोग इनकी बातों में आने वाले नहीं हैं। पहले भी उन्होंने पूरी तरह से इनकी बातों का तिरस्कार करा है और वो इनकी बातों को अब भी नहीं मानेंगे। तो रिवॉर्ड की बात कर रहे हैं, लोगों से कोई डाटा लेकर फ्रॉड ना हो जाए, इसको लेकर के आपको अपील कर? नहीं, किसी प्रकार का कुछ नहीं होगा, कोई भी इनको गंभीरता से नहीं लेता। सीरो सर्वे की आपने बात की थी, क्या रिव्यू हो गया? हाँ, सीरो सर्वे जो है वो शुरू हो गया है और वो लगभग 21,000 लोगों का वो सर्वे लिया जाएगा, वो रैंडम सैंपल होगा, उससे अंदाज़ा लगेगा कि एंटीबॉडी कितने परसेंट लोगों में डेवलप हो चुकी है। नहीं, मैं कोई कमेंट नहीं देना चाहता। SYL के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा है वो उस पर अमल करेंगे।
अगर कोई नतीजा निकलेगा तो ठीक है, नहीं तो सुप्रीम कोर्ट फिर फैसला कर देगा अपना। दो हफ्ते का वक्त दिया था, 29 जुलाई को नहीं, हम बिल्कुल इस उम्मीद के साथ हैं कि सुप्रीम कोर्ट हमारे हक में फैसला देगा। हम पहले भी हमारे हक में आया हुआ है, अब उसकी इम्प्लीमेंटेशन की बात है और हमें पूरी उम्मीद है कि जब भी सुप्रीम कोर्ट करेगा हमारे हक में फैसला करेगा। लगातार विपक्ष जो है वो ये कह रहा है कि होम मिनिस्टर और डिप्टी सीएम ने शराब घोटाले को लेकर तनातनी है, क्या कहेंगे? मेरा दुष्यंत चौटाला से किसी प्रकार का कोई मतभेद नहीं, मैंने कभी भी उनकी किसी भी कार्यप्रणाली पर कोई टिप्पणी नहीं की है। जहाँ तक SCT की बात है, मैंने जहाँ मेरे डिपार्टमेंट के खिलाफ कोई बात थी उसको भी मेंशन किया, जहाँ पर एक्साइज डिपार्टमेंट के बारे में कोई बात थी उसको भी मेंशन किया, और वो मेरे शब्द नहीं थे, जो SCT ने लिखा मैंने वो बताया। किसी भी प्रकार से बहुत अच्छा मेरा उनके साथ मित्रता है और मेरा उनके साथ कोई मतभेद नहीं। विपक्ष का काम है धरने जुलूस करना, तो थोड़ा बहुत निकले ना सड़कों पे, धूप पे, थोड़ी सारी जिंदगी एयर कंडीशन कमरों में बिताई है, थोड़ी धूल भी फंके, अच्छी बात है। एक सर कांग्रेस ये कह रही है कि जो पीटीए टीचर्स हैं उनके ऊपर वो कह रहे हैं कि सरकार चाहती नहीं है वापस आए, हम प्राइवेट मेंबर बिल लेकर आएंगे विधानसभा के अंदर, सरकार को अपनी शक्तियां यूज करनी चाहिए, हम प्राइवेट मेंबर बिल लेकर आएंगे, इन सबको बात नहीं। देखिए ऐसे इस प्रकार के तो कांग्रेस कई लोगों को लॉलीपॉप देती रहती है, और कांग्रेस राष्ट्रीय स्तर पर भी प्रदेश स्तर पर भी लोगों को भ्रमित करने का काम करती है, और इन्होंने शायद कोई इंस्टीट्यूट खोल लिया है जहाँ पे इनके नेताओं को लोगों को भ्रमित कैसे करना है उसकी डिग्री दी जाती है। तो उसी प्रकार से हुड्डा साहब कर रहे हैं, इन्होंने अपने टाइम में कौन से कर्मचारियों का भला किया बताएं ये पहले। राजस्थान में जिस तरह से सचिन पायलट यू टर्न हुआ है और वापस जालौन सीमा में चले गए, कैसे देखते हैं सारे घटनाक्रम? देखिए टूटना और फिर यू टर्न लेना, ये जो कांग्रेस की रैंक एंड फाइल है उसका अपने केंद्रीय नेतृत्व से टूटा हुआ भरोसा दिखाता है कि उनका अपने केंद्रीय नेतृत्व में अब विश्वास नहीं रहा है। ये तो रहमन धागा प्रेम का, मत खींचो चटकाए, टूटे तो फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ पड़ जाए। ये अब इतने गांठ पड़ चुकी है, इतना कुछ एक दूसरे के बारे में कह चुके हैं, अब किन परिस्थितियों में दोबारा इकट्ठे हो गए और कितने दिन इकट्ठे रहेंगे ये तो आने वाला समय बताएगा। ऐसा आंकड़ा बताना तो मुमकिन मुमकिन नहीं। सीरो सर्वे तो रैंडम सर्वे होगा, उसमें हर जिले में 850 लोगों के करेंगे, 350 शहर के करेंगे, 500 ग्रामीण लोगों के करेंगे, गांवों में भी
हम उनको क्लस्टर में बांटेंगे, उन क्लस्टरों में से घरों में बांटेंगे और उन घरों से जागे करेंगे, ताकि उसका जो आंकलन आए उससे बिल्कुल ठीक नतीजा निकाला जा सके। नहीं नहीं SET की बिल्कुल ठीक दिशा में चल रही है, मुख्यमंत्री जी भी उसको कह चुके हैं बार बार। मुख्यमंत्री जी ने उसको कार्रवाई के लिए चीफ सेक्रेटरी को भेज दिया और ये आगे अब चीफ सेक्रेटरी महोदय उसके ऊपर कार्रवाई करेंगे। तो माने कि विजिलेंस की जो मांग की आपकी सिफारिश थी वो दरकिनार होगी? नहीं, किसने का दरकिनार होगी? मुख्यमंत्री जी ने SET की रिपोर्ट के ऊपर कार्रवाई करने के लिए जो चीफ सेक्रेटरी को भेज दिया और वो चीफ सेक्रेटरी को ही जाती है, कार्रवाई तो चीफ सेक्रेटरी ने ही करनी है। मेरे सामने आप मामला लाए हैं तो मैं इसको गंभीरता से ले रहा हूँ, मैं इसकी जांच करवाऊंगा। काफी दिन पहले आया था, अभी नया तो कोई मामला नहीं आया। समझा रहे थे।